क्वेश्चन नंबर एट, एक पेड स्थल की शिखर पर एक, माना कि यहाँ से यहाँ तक क्या है, एक पेड स्थल है, पेड स्थल के शिखर पर एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी थी। यहाँ से 1.6 मीटर क्या है, ऊपर की ओर एक मूर्ति है। भूमि के एक बिंदु से, माना कि यहाँ पर कोई भूमि का एक बिंदु है, भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का, यहाँ पर मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण जो बना रहा है, ये कितने डिग्री का बना रहा है, 60 डिग्री का है। और भूमि और उसी बिंदु से पेडस्टल यहाँ पर है के शिखर का उन्नयन कोण, इसी से ये जो उन्नयन कोण जो बना रहा है वो बना रहा है 45 डिग्री का। तो हमें पेडस्टल की ऊंचाई निकालनी, मतलब यहाँ से यहाँ तक का हमें मान निकालना है। तो हम नाम दे देते हैं ए, बी, सी और डी। जो हमें दिया गया है उसको लिख लेते हैं। माना पेडस्टल की ऊंचाई h मीटर है और मूर्ति की ऊंचाई 1.6 मीटर है। तो हम समकोण त्रिभुज दिया हुआ है, तो हम समकोण त्रिभुज सबसे पहले यहाँ से वैल्यू निकाल देते हैं h की। तो बी सी डी में tan थीटा बराबर लंब बटा आधार होता है, लंब बटा आधार। तो tan थीटा का मान हमें दे रखा है यहाँ पर 45 डिग्री, क्योंकि हम ये वाला त्रिभुज ले रहे हैं। लंब का मान हमारे पास है h और आधार का मान BC। यहाँ पर tan 45 का मान होता है 1 इक्वल टू h BC। तो यहाँ से BC हमारे बराबर है h मीटर के। अब हम यहाँ से मान निकाल देते हैं, तो AC और BC। तो लंब हमारे पास AC हो जाएगा और आधार हमारे पास BC हो जाएगा। tan थीटा बराबर AC लंब का मान है और आधार का मान BC है। तो यहाँ से थीटा का मान रखने पर tan 60 डिग्री और AC का मान हमारे पास हो जाएगा AD प्लस BC, क्योंकि यहाँ से दो में डिवाइड है, AD प्लस BC अपॉन BC। तो यहाँ से हमारे पास BC का मान आया था H, वो रखने पर tan 60 का मान होता है √3 इक्वल टू AD का मान हमारे पास 1.6 है और यहाँ पर BC का मान H है और BC का मान भी हमारे पास H आया है। यहाँ से H को इधर भेज दिया तो H √3 इक्वल टू H प्लस 1.6। सॉल्व करने पर यहाँ पर HH को एक तरफ ले लेते हैं, H √3 प्लस का इधर आया तो माइनस का इक्वल टू 1.6। तो यहाँ से H को कॉमन निकालने पर √3 माइनस 1 इक्वल टू 1.6। यहाँ पर h को अपॉन h बराबर, ये वैल्यू अपॉन में चली जाएगी 1.6 √3 माइनस 1। नीचे रूट आ रहा है तो हम हरों का परिमेयकरण करेंगे। h बराबर 1.6 √3 माइनस 1, यहाँ पर माइनस है तो हरों का परिमेयकरण करते वक्त यहाँ पर प्लस हो जाएगा। तो 1.6 √3 प्लस 1, यहाँ पर फॉर्मूला लग रहा है a माइनस बी, a प्लस बी का हम जानते हैं ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर होता है। तो ए का मान यहाँ पर √3 है, तो √3 का स्क्वायर माइनस बी का मान है 1, तो 1 का स्क्वायर। सॉल्व करने पर यहाँ पर तो 1.6 √3 प्लस 1 अपॉन, यहाँ से स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो 3 माइनस 1। तो h बराबर 1.6 √3 प्लस 1 अपॉन, यहाँ से वैल्यू को काटते हैं तो हमारे पास 0.8 आ जाता है, 0.8 √3 प्लस 1 मीटर। तो ये हमारे पास पेडस्टल की ऊंचाई आ गई।